हेलो गाइस एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक ऑनियन टिप्स। आज हम आ गए हमारी वीडियो नंबर 19 पे और ये वीडियो ऑन योर डिमांड बन रही है, यानी कि आप लोगों के हिसाब से जो आप लोगों ने मुझे कहा था कि एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स। सो हियर वी गो, दिस वीडियो इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, और इसको एक्सपेंड करा तो डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी इंटू क्यू। इसमें डेल पी का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, कितना चेंज आया, डेल पी का मतलब प्राइस में कितना चेंज आया, पी मतलब पुराना प्राइस, क्यू मतलब पुरानी क्वांटिटी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हेन प्राइस इज 5 डिमांड इज 50, प्राइस 10 हुई डिमांड कितनी हो गई 45। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, इसको चलो 40 लेके चलते। ठीक है, देखो फॉर्मूला है ना, व्हाट पुट करना है इसी में लिखते, देखो ओल्ड प्राइस 5, ओल्ड क्वांटिटी 50, चेंज इन प्राइस 5, चेंज इन क्वांटिटी 10। बस फॉर्मूला पुट करना है, देखो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू डेल क्यू टेन मल्टीप्लाई बाय डेल मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइड बाय डेल पी इंटू क्यू। ठीक है, बस फॉर्मूला पुट कर सॉल्व करें, 5 से 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1/5, यानी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0.20, 1 से छोटी, यानी हमारी इलास्टिसिटी कैसी होगी, कैसे लिख रहे हैं देखो, इधर Elasticity is less than 1, less elastic। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो पहले क्वेश्चन लिखा, देन ये लिखा, देन ये लिखा, फिर इसको ऐसे सॉल्व करना है और फाइनली आके ये जरूर लिखना है। इसके एक मार्क्स होते हैं, इलास्टिसिटी मत से छोटी है, लेस इलास्टिक। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्विंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो कैसे आएगा, इस तरीके से पुराना प्राइस 10 डिमांड थी 50, प्राइस कम हो गया 5 डिमांड पता नहीं कितनी होगी, हमें निकालना है कि Q2 ये कितना है, व्हेन इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 2, हमें सब दे रखा है, एक चीज गायब। फॉर्मूले में देखें, देखो ओल्ड क्वांटिटी 50, ओल्ड प्राइस 10, चेंज इन प्राइस 5, चेंज इन क्वांटिटी पता नहीं, निकाले फॉर्मूले में, देखो फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं, इलास्टिसिटी 2, क्वांटिटी का चेंज पता नहीं, चेंज इन प्राइस 5 मल्टीप्लाई बाय पुराना प्राइस 10, पुरानी क्वांटिटी 50। सॉल्व आउट करें, 0 से 0 2 अपॉन डेल क्यू, 5 5 25, सो डेल क्यू इक्वल्स टू 2 × 25 यानी कि 50। प्राइस पे कितना चेंज आया, 50। अब ध्यान से देखना, प्राइस का चेंज 50 है, अब पॉइंट आती है कि हम उसमें 50 बढ़ाएं या 50 कम करें। सो कैसे करेंगे, देखो प्राइस क्या हो रहा है, कम, तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी हमको पुराने में बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो नहीं Q2 कितना आ गया हमारा 100। ठीक है, सो ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है वो और देखेंगे, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इलास्टिसिटी। लास्ट टाइप का क्वेश्चन सबसे इजी होता है और से समझने वाला होता है। देखो क्या है, इफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 2, इलास्टिसिटी 2 का मतलब जितना प्राइस में चेंज आएगा उसका जस्ट डबल डिमांड में चेंज आएगा। इफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू 20%, प्राइस में कितना चेंज आया 20%, हमें बताना है कि उसकी क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज आएगा। चाहो तो फॉर्मूले से लगा लो, बिना फॉर्मूले के चाहो तो ऐसे लगा लो, परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज एक ही बात है, डिफरेंस कितना है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज में, परसेंटेज चेंज में मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है, वो दोनों में हो जाता है ऊपर नीचे, तो इसलिए कैंसिल आउट। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यूडी अपॉन, इसको ऐसे लिखते चलो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 20%, परसेंट काटने की कोई जरूरत नहीं है, इलास्टिसिटी 2
ये कर गया तो इलास्टिसिटी 2 की मदद से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आ गया 40%, यानी जब भी प्राइस 20% चेंज होगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना चेंज होगी 40%। सिंपल, ठीक है, हम डायरेक्टली बता सकते थे। तो ये तीन टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं हमारे इलास्टिसिटी में, इसी को थोड़ा बहुत शफल कर करा के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता जो कि न्यूमेरिकली बेस्ड हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो जो वीडियो के बाद अब आते हैं मेरे वीडियो के लास्ट एंड। सो वीडियो की एंडिंग जैसे हर बार होती है वैसे इस बार होगी। दिस इज माय बुक, मेरी बुक है जो मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखी है, लिखी नहीं है, टाइप करी है। सो जिसको भी ये बुक खरीदनी हो वो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7690041256। ये मेरा नंबर है, इसका आओ कॉन्टेक्ट करो। व्हाट्सएप नंबर है, इकोनॉमिक्स वाले टिप्स के नाम से मुझसे कांटेक्ट करो। मैं आपको इस बुक की प्राइस और कैसे आप तक पहुंचेगी और कैसे पेमेंट प्रोसीजर है वो सब मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, देखते रहो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। ये हमारी वीडियो नंबर 19, यानी कि 18 वीडियो इससे पहले बन चुकी है। और प्लीज 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 इस बुक के लिए बार्गेन करने की मत सोचना, ठीक है। सब्जी मंडी नहीं है, मेहनत की कमाई है। सो इसको भी ले लियो, आओ देखो और मुझसे बुक, ठीक है। कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। बाय बाय।